हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू निकालिए, फॉर विच 5m डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अगर ये चीज़ आपस में बराबर है तो m कितना होगा ये आपको पता चलाना है। चलिए क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ आपको जो बेस दिख रहा है ना, ये 5 है, मतलब जब पूरी इक्वेशन के अंदर बेस आपका सेम है और बीच में यहाँ डिवाइड दिख रहा है। तो पहले तो क्वेश्चन को मैं रीराइट कर लेता हूँ, 5 की पावर -3 इज इक्वल टू ये 5 की पावर 5। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगता है कि जब आपका बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड होता है तो जो पावर्स होती है ना वो माइनस हो जाती है। लॉ ये है कि अगर ए की पावर एम है और डिवाइडेड बाय ए की पावर एन है तो ए की पावर टोटल हो जाएगी एम माइनस एन। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 5 तो हो गया बेस और बीच में डिवाइड है तो एम में से माइनस हो जाएगा -3, यानी ये पावर्स माइनस हो जाएंगी। अब ये वाला जो माइनस है ये तो है फॉर्मूले का, और ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है ये इसका खुद का माइनस है। तो ये जो सारी चीज़ है ये 5 की पावर 5 के बराबर हो जाएगी। इधर इसे सॉल्व कर लें तो 5 की पावर हो जाएगी ये m का m, माइनस और माइनस मिलके बन गया प्लस, और ये 3 इज इक्वल टू यहाँ पे एज इट इज़ 5 की पावर 5। अब आप दो चीज़ें देखिए, एक तो इनका बेस सेम है, बेस इनका सेम है, ऊपर से बीच में इज इक्वल टू का निशान भी है, यानी जो इन दोनों का जो आंसर आएगा ना वो बराबर है। तो आंसर बराबर कब आएगा? जब इन दोनों की पावर सेम होगी तभी तो आएगा। तो यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि अगर हम इन्हें कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, हमने ध्यान लगाया कि बेस सेम है और आंसर दोनों का सेम है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का, तो पावर सेम होंगी तभी आंसर सेम आएगा। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स हम ये कह सकते हैं कि m प्लस 3 बराबर होगा इस 5 के, जो कि राइट साइड वाले बेस की पावर है। अब इक्वेशन बन रही है सिंपल सिंपल, तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5, ये प्लस 3 इधर आ जाएगा, -3 हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई 2। यही आपका आंसर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।